और हमने पूरी फराख दिली के साथ हकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ते नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था, हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम तफहीम के साथ एक मुत्तफ़िका तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने खुशामदेद कहा है इसके लिए। और दो रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियां नवाज़ शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे, वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां नवाज़ शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तेफाक राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए। और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ थी, उनके क़ियादत यहाँ तशरीफ़ लाई, हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लातअल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़िका होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़िका एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है, उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है। और कुछ चीज़ें जो अभी मोहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म बन सकता है, लेकिन वो चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तेफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं
कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हकूमत का ये रवैया रहता है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ, एहतराम के साथ जवाब देंगे। दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहें, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनीयती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाजी के और रहनमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुप्तशनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है आपके साथ मिलके आपके रहनमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोज़ल आप आगे सबमिट करेंगे हम एज़ अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिलकर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तस्करा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्रॉप शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आइनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हकूमत के रवैये पे, हकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आइनी हैसियत रखती है आइनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आइनी तरामीम का पैदा क्या है? पेरीवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है।
और इसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, आलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला, और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया रहा, यही रहा, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।